building the social order. Hey guys, this is me Aman. Welcome back to another video. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन याद से दबा दें। मुझे Instagram AKG Network पे आप लोग फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ये जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप लोग ट्रेवल करते हैं बाय कार तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी गाड़ी में अपने साथ कैरी करें। सफ़र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हाथ साथ बता के नहीं आते। आप लोग अगर कहीं भी ट्रेवल करें तो अपने साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें लाजमी रखें। टायर एसेंशियल्स में सबसे पहले मेरे पास ये टायर सीलेंट, ये आपके तब काम आता है जब आपका जो टायर है गाड़ी का वो इन्फ्लेट हो जाए, पंचर हो जाए, तो बजाय कि आप लोग टायर शॉप पे जाएं और वो दूर हो तो आप ये स्प्रे फिल कर सकते हैं टायर में नोजल पे लगा के और इसको प्रेस करके आप फिल कर सकते हैं। अभी मेरा जो है कोई टायर इन्फ्लेट नहीं हुआ, इन फ्यूचर में आप लोगों को करके दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। सेकेंड है टायर पंचर रिपेयर किट, ये जो रिपेयर किट है ये आपके ट्यूबलेस टायर के लिए, ये मैंने ऑर्डर की थी बहुत पहले दराज से, आई थिंक ये 1000 या 1500 की या इससे थोड़ी सी महंगी मुझे पड़ी थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है और प्रीमियम क्वालिटी है इसकी कंपैरेटिवली टू द प्राइस। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर में पंचर कैसे लगा जाए तो इस वीडियो में मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, तो तब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पंचर आप लोग लगा सकते हैं घर बैठे बैठे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ये टायर गेज, ठीक है, ये आप लोगों का पता लगाने में काम आता है कि आपके गाड़ी में, बाइक में, टायर में कितना जो है PSI प्रेशर है, कितनी एयर है, तो आप लोग इससे चेक कर सकते हैं। टायर इन्फ्लेट करने के लिए एक ये मज़ेदार प्रोडक्ट है, ये मैनुअल एयर पंप है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मुझे दराज से ऑनलाइन 1000 के करीब पड़ा है, बहुत ही छोटा सा है, आप इसको अपने बैकपैक वगैरह में, हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। मैंने सिल्वर कलर में ऑर्डर किया था और इसके पीछे जो है ये प्रीसेट भी इन्होंने दिए हैं, ये भी नोज़ल का जो है प्रीसेट है और ये भी इसका जो है एक ये इन्होंने दिया हुआ है नोज़ल, ठीक है। इसमें आप अपने फुटबॉल वगैरह में भी हवा डाल सकते हैं और ऑब्वियसली साइकिल में, मोटर बाइक में और मोटर कार में भी पंप कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा है और ये इसके आपके आगे बटन और इस पर ये नोज़ल की जगह है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और इस तरह ये जो है इसका लेवर जो है इसमें खोल देंगे और जब इसको प्लेस करेंगे तो इसको आप टाइट कर देंगे और इसका जो मैनुअल सिस्टम है ये, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे, ये इसका लेवर नीचे चला गया और इसको आप इसमें अभी प्रेस कर सकते हैं। काम तो ये कर रहा है लेकिन अभी इसकी रियल टेस्टिंग हम करेंगे। फाइनली हमारे पास ये है मोटर वाला एयर पंप, दो सिलेंडर वाला, ये जो है आप अपने गाड़ी में बैटरी वगैरह के साथ 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। 23 एम्पेयर 150 PSI तक आप इसमें जो है मैक्सिमम प्रेशर है, साथ में इसके वायरिंग है। ये जो दो टर्मिनल है अपना रेड प्लस और माइनस का, ये आप अपने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही इसके आता है ये पाइप होज जो कि येलो कलर के हैं और इसके साथ भी एडिशनल दो ये प्रीसेट नोजल्स दी हुई हैं, जम की आपकी नोज़ल है उसमें ये अटैचमेंट लगा सकते हैं और मेन इसके ये पाइप होज में ये आगे जो है इसका कनेक्टर है और इसमें जो है बिल्ट इन एनालॉग का इसका जो है टायर प्रेशर गेज है, इससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी हवा इसमें ऑलरेडी डल चुकी है। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करें और अब करते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो बटन से ऑन कर लेंगे इसको हम, इसमें 3-4 मोड्स हैं। PSI में आप लोग चेक कर सकते हैं, KPA पार का ऑप्शन है इसमें और किलोग्राम में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ऑटो ऑफ भी हो सकता है और अगर आप लोग मैनुअली ऑफ करना चाह रहे हैं तो 3 सेकंड के लिए इसको बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम इसके नोजल के कैप को निकालते हैं और इस पर अटैच करके चेक करते हैं अभी प्रेजेंट हमारे पास कितना एयर प्रेशर है टायर में। PSI अभी शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर लगाने का तरीका ये, आपने जिसके होस पाइप को ये स्लाइड पीछे करके जो है इसको पुश करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा और इसके दो वायरिंग के जो है टर्मिनल, जो बैटरी में टर्मिनल जो है कनेक्ट हो जाएंगे, रेड स्टैंड्स फॉर
पॉजिटिव एंड ब्लैक स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ये सिमिलर जो है मैचिंग वाले आप लोगों ने टर्मिनल कलर मैच करके लगाने हैं बैटरी के साथ। इस वाले एयर कंप्रेसर में इसका गुड फीचर ये है, इसमें साथ में फ्यूज भी है। अगर ये हीट अप होता है ज्यादा देर तक, आप लोगों ने इसको ऑन कर दिया तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, तो वायर जलने का खतरा जो है खत्म हो गया। तो अभी अपने ये इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर से जो है एयर फिल करते हैं और लेट्स सी। तो इसको क्लॉकवाइज जो है घुमाएंगे, इसकी नोजल टाइट हो जाएगी और इसको खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पे इसको अनस्क्रू करेंगे तो ये निकल आएगा। अभी देखें इसका प्रेशर शो हो रहा है 26-30 के आसपास कह लें। तो अभी हमने ऑन कर दिया, ऐसा ऐसा जो है एयर इसमें फिल हो रही है और इसका जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको लूज करके अपने टायर गेज से चेक कर लेते हैं। तो ये लगा लिया हमने, अब देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। 32.6 PSI आप आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये टायर में जो है हवा हम लोगों ने डाल ली है। अब इसके साथ साथ ही मैनुअल वाला जो एयर पंप है वो भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी हैंडी सा है, कहीं भी लाइट वेट है, ट्रेवल करके आप लोग लेके जा सकते हैं। पहले इसको जो है थोड़ी सी हवा निकालते हैं जो हमने फिल की थी। तो अभी हम इस टूल से चेक करते हैं अभी रिमेनिंग हवा कितनी रहती है इसमें। 19.2 PSI ये शो कर रहा है हवा निकालने के बाद। तो अब इसको मैनुअली जो है प्लग इन करेंगे, इसकी नोजल से नोजल मिला के अंदर टक इन करेंगे और इसका जो क्लिप है ना इसको नीचे प्रेस कर देंगे तो ये इस पर इंटैक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है पाँव से भी आप लोग जो है पंप कर सकते हैं, लेकिन पाँव से जो है ना ये थोड़ा मूव हो रहा है तो इसको प्रेफरेबल यही है कि हाथ से आप लोग इसको पकड़ के जो है पुश करें। थोड़ा सा इसमें टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन ये कि आपकी नीड पूरी कर सकता है। इसे फिल करने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं। ये देखें 19 थी तो अभी 22 PSI है। इसका मतलब है ये काम तो कर रहे हैं, टाइम लगता है लेकिन ये काम कर रहा है। तो इसको भी आप लोग अपने ट्रेवल में रख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो एयर नोजल के जो है ऊपर का कवर है, बाज़ औक़ात आप लोग जो है गैस पंप वगैरह से एयर भरवाते हैं तो वो टायर वाले जो होते हैं ना ये आपकी नोजल रख देते हैं, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है उसको वापस लगाने में। लेकिन ये आप लोग लाजमी वापस लगाएं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर इस पर कैप लगी होगी नोज़ल पे टायर के तो उस पर जो है मॉइस्ट वगैरह नहीं होगा, ह्यूमिडिटी रस्ट नहीं आएगा, तो वो नोज़ल आपकी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। टायर एयर वेल्व की जो कैप है ये लाजमी आप लोग लगाएं ताकि जो है लॉन्ग टर्म चल सके और लीकेज वगैरह ना हो आसानी से। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों ने कुछ सीखा इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी नई अमेजिंग कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.